स्वागत है आपका वॉइस ऑफ फैमिली में। सत मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी इस प्रकार का ढोंग करके समाज को बांटना बंद करिए। जैसे सोमवार को आपने सदन में किया था, अगर आप आदिवासियों के इतने हितैषी थे तो 15 महीने आपकी सरकार थी, तब आपने 5वीं अनुसूची जारी क्यों नहीं की। कमलनाथ जी आपके पास 2 पद है, नेता प्रतिपक्ष का पद जनजाति के किसी विधायक को सौंप कर अच्छी पहल करिए, तब आप माने जाएंगे कि सचमुच में आदिवासियों के हितैषी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वैसे भी आप कह चुके हो कि आपको विधानसभा मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का ज्ञान नहीं है। कमलनाथ जी हमेशा बिंदु की बातें करते हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें संसद का अनुभव है, विधानसभा का नहीं। और सवाल ये है कि उन्हें अब तक किसका अनुभव नहीं हो पाया है, तो फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं, ये जिम्मेदारी किसी आदिवासी नेता को क्यों नहीं सौंपते। कमलनाथ 30 महीनों के बाद भी कहते हैं कि उनको सदन का ज्ञान नहीं है, जब उन्हें ज्ञान नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों बने हुए हैं, छोड़ दे किसी ज्ञानी को आने दे। वहीं जिस तरह से आपने सपरेट में जाना कि किस तरह से जो है बातें दो टुक में कई तरह के जो तंज इसमें कसे गए, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इसमें कहा है, कमलनाथ ने भी जो है कई बातें इसमें कही हैं और कई बड़ी बातें जो है कहते हुए उन्होंने इसमें तंज कसा है। वहीं ये था अब तक का अपडेट। इस तरह की तमाम जानकारी और लगातार अपडेट्स के लिए वॉइस ऑफ फैमिली के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।